मोतिहारी के रामगढ़वा प्रखंड के अमोदई में चिमनी में ब्लास्ट होने से 9 मजदूरों की दुखद मौत हो गई। अमूमन इस तरह के हादसे के बाद विपक्ष सरकार आलोचना करने में जुट जाती है, लेकिन इस हादसे के बाद बिहार सरकार के कामकाज की खुद संजय जायसवाल ने तारीफ की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जख्मी श्रमिकों के इलाज को बेहतर इंतजाम करने पर नीतीश सरकार की तारीफ की है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे में मारे गए श्रमिकों के परिवार के लिए 4 लाख रुपए की मुआवजा का ऐलान किया। इस ऐलान पर भी संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार की तारीफ की है। वहीं चिमनी धमाके में हताहत हुए श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मुआवजे की घोषणा की गई है। हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की राहत राशि दी गई है। साथ ही प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि भी पीएम राहत कोष से दी जाएगी। इधर पटना की जानकारी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दुख जताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को सभी घायलों को अच्छा इलाज देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस पहल की भी संजय जायसवाल ने खुले मन से तारीफ की है। कारण तो अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि नॉर्मली चिमनी में तभी भी आग काटी जाता है उसको गर्म करने के लिए, क्यों हुआ यह तो नहीं मालूम, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 7 हम लोग अपने भाइयों को गंवा चुके हैं। 3 की स्थिति क्रिटिकल थी, अभी कल से डॉक्टर सुजीत ने उनकी बहुत अच्छी चिंता की और आज जब स्टेबल हुए तो उनको एम्स भेज दिया गया है। वहां पे डॉक्टर पाल एम्स के डायरेक्टर से मेरी शरण की भी बात हुई है, वहां पे उनकी चिंता की जाएगी। 5 जो यहां मरीज हैं वह भी स्टेबल हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सभी घायलों को और मृतकों के लिए अनुदान की घोषणा की है, बिहार सरकार ने भी किया है। बिहार सरकार को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सभी का जो भी बीमार जो घायल है उनके बारे में भी इलाज की सब सुविधा, मेरी सिविल सर्जन से बात हुई है, वो लोग का व्यवस्था में पूरे तरह से कर रहे हैं और ई श्रम कार्ड से भी अनुदान मिलेगा। पर स्थिति बहुत दुखद है, तो पूरे सभी परिवारों के साथ हम लोग इस संवेदना है और हम देखेंगे आगे क्या हो सकता है। जांच की बात होती है, जांच होगी क्यों ऐसा हुआ, क्या मानक तो नहीं था। है तो बहुत अजीब घटना, कभी हम लोगों ने नहीं सुना है कि चिमनी में इस तरह से पूरा ब्लास्ट हो जाए और ऊपर का पूरा ये हो जाए। तो सरकार का काम है, सरकार अपना जांच करके निश्चित तौर पर जो लाइसेंस दिए थे वो किस तरह से दिए थे, क्यों हुआ था, इसकी यह तो जांच का विषय है। इस पर आज टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, लेकिन यह पता करना होगा कि क्यों पहले ही दिन इस तरह की घटना क्यों हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मुआवजे की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। इस ट्वीट में मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही घायलों के इलाज का पूरा खर्च बिहार सरकार ही वहन करेगी। जख्मी श्रमिकों के समुचित इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है। लंबे अरसे बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार के कामकाज की तारीफ की है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सहयोग से ही बिहार की समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। उम्मीद है कि दूसरे मुद्दे पर भी सत्ता और विपक्ष के बीच संवाद कायम रहेगा। ऐसे संवाद से ही समृद्ध बिहार का निर्माण संभव हो पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मोतिहारी से राजीव रंजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।